So very good morning, very good afternoon, everyone. Hope you all are well and good. So what we have done in the last lecture, first of all, please, we can sir, I can tell what we did in last lecture. Sir, I don't know what teacher said because I can't join the class. हाँ बेटा, क्या किया था लास्ट टाइम बताइए सर. वी हैव डन दैट सर, वी हैव रिवाइज चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 11.1. वेरी गुड. सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द एक्सरसाइज 11. ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 11.1 डन कर दिया था. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज area. Okay, now the next topic is area. First of all, what is the area? Area means inside the part of the figure. अगर कोई भी figure है, कोई भी object है, उसके अंदर के part को अगर measure करना है तो वो हमारा होता है area. जैसे कि ये हमारी notebook है. अब उसके अंदर का जो ये part आपको दिख रहा है ना, ये आपका area है. और ये जो border दिख रही है वो उसका पेरीमीटर है. तो हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक आइटम या फिर हर एक कोई भी आपकी फिगर, उसके अंदर अगर अंदर का जो पार्ट है वो आपका होता है एरिया, और उसकी बॉर्डर को हम कहते हैं पेरीमीटर. ओके, आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हो, आपको फिगर्स दी गई है पेज नंबर 165 पर. यू कैन सी दिस पिक्चर. तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द पिक्चर्स दी गई है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द पिक्चर. अब उसके अंदर जो आपको कलर्ड किया हुआ है ना, जो कलर्ड पार्ट है वो आपका है एरिया, और जो रेड कलर की बॉर्डर आपको दिख रही होगी वो बॉर्डर है आपकी पेरीमीटर. इज दैट क्लियर. जो अंदर का आपको कलर्ड पार्ट दिख रहा है वो कलर्ड पार्ट आपका है एरिया, एंड जो रेड कलर की बॉर्डर दिखाई दे रही है वो है आपकी पेरीमीटर. ओके, तो हमने पेरीमीटर के बारे में तो समझ लिया. अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया. तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया हुआ है. आप सभी के अंदर स्क्वायर देख सकते हो, जैसे कि जनरली आपकी मैथ नोट बुक के अंदर स्क्वायर होते हैं ना, तो उसका हम यहाँ पर मेजरमेंट रखते हैं 1 सेंटीमीटर. 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो जितने भी स्क्वायर आपकी फिगर के अंदर आते होंगे उतने सेंटीमीटर का आपका एरिया होगा, राइट. और एरिया के बारे में मैंने आपको, जब आप ऑफलाइन स्कूल पर आए थे तभी मैंने आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था कि व्हाट इज द एरिया. जैसे कि आपको रूम का एरिया फाइंड आउट करना है, या फिर आपको टाइल्स के साथ मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो टाइल्स होती है उसे चलो मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, तो उसे मेजर कैसे करना है. ओके, तो उस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं एरिया को. तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ द पैटर्न भी है. तो पहले मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूं. आपको ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस. चलो, मैंने यहाँ पर दो फिगर्स ड्रॉ की है. अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि वन स्क्वायर, कोई भी एक स्क्वायर, उसका मतलब ये होता है कि वो 1 सेंटीमीटर है. अब इसका मतलब हमें समझना है कि वो
वन सेंटीमीटर का हमारा बॉक्स है, ओके। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ दिस फिगर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जितने भी बॉक्सेस हैं उसे सिर्फ काउंट करना है, जितने भी बॉक्सेस होंगे उतना उसका एरिया होगा। जैसे कि ये वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, मतलब हमारा जो एरिया है वो है एरिया इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर। कोई भी फिगर के अंदर आपको इस तरह से दिया हुआ हो तो बस आपको ये सिर्फ काउंट करना है। बट जब कभी भी फुल स्क्वायर नहीं होगा तब क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपकी ट्राइंगुलर पिक्चर है तो क्या करोगे, तो यहाँ पर जितनी भी हाफ फिगर होगी उसे आप फुल में कन्वर्ट। आप यहाँ पर जितनी भी हाफ पिक्चर्स होगी उसे फुल उसमें कन्वर्ट कर दोगे। तो जैसे कि हम लोग काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, देखो यहाँ पर फुल स्क्वायर कितने हैं, ओनली 6। तो अब हम इस फिगर का क्या करेंगे, तो हाफ का मतलब होता है 1/2, राइट। अगर हाफ फिगर है तो उसका मतलब होता है 1/2। तो जितने भी हाफ फिगर होंगे अगर वो ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, चलो 1/2 प्लस 1/2, फ्रैक्शन के अंदर हमें एडिशन किया था ना, क्या आएगा, न्यूमरेटर नंबर्स का होगा एडिशन और नीचे के नंबर कॉमन है इसलिए वो 2 ओनली। सो 2/2 मीन्स, 2/2 का मतलब क्या होता है, 1। 2/2 का मतलब होता है 1, मतलब दो हाफ फिगर मिलकर क्या बनाएगी, दो हाफ फिगर मिलकर 1 बनाएगी। तो यहाँ पर टोटल कितने हाफ है, 4 हाफ है, मतलब हमारा 2, मतलब ये दोनों मिलकर एक 1 बनाएंगे वो 7 और ये 8, मतलब टोटल हमारे पास 6 फुल स्क्वायर है और दो हाफ है। तो दो हाफ मतलब 1, ऐसे दूसरा भी है मतलब 7 और 8। तो हमारा एरिया क्या हुआ, एरिया हुआ 8 सेंटीमीटर, हमारा जो एरिया है वो हो गया 8 सेंटीमीटर। यहां तक सभी को समझ में आया, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए यहां तक सभी को समझ में आया एरिया। चलो वेरी गुड, सभी को आई थिंक समझ में आ गया है। अब इसकी जगह पर कोई सर्कल होता, अब इसकी जगह पर यहाँ पर कोई सर्कल होता तो कैसे काउंटिंग होती, यस काउंट तो नहीं कर सकते बट उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे अप्रोक्स वैल्यू। अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है, लेट्स सी,
चलो मैंने यहाँ पर दो फिगर्स ड्रॉ की है, अब इसका निकालना है हमें एरिया। ओके, अब देखो जो फिगर हमारी फुल स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती है उसे तो हम लोग वन लिख देंगे, बट कुछ ऐसी स्क्वायर भी बनेगी जो हाफ भी नहीं होगी ना ही फुल होगी, कुछ फिगर ऐसी भी होगी जो हाफ भी नहीं होगी और फुल भी नहीं होगी, तो उससे क्या करना है। तो देखो हमने सीखा था एस्टिमेट वैल्यू, हमने सीखा था एस्टिमेट वैल्यू जैसे कि 199 वो किसके आजू बाजू में होता है 200 के, 198 वो 200 के नजदीक होता है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमें अप्रोक्स वैल्यू लेनी है उसके नजदीक वाली। कैसे? तो पहले तो हम ये काम करेंगे कि जो पूल है उसे पहले लिख देंगे, तो यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बस इतने हमारे पास पूल है। अब आपको क्या करना है, जो भी हाफ से बड़ा है उसे फुल काउंट करेंगे, और जो हाफ से भी हाफ है मतलब हाफ से भी छोटा है उसे काउंट ही नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर छोटा सा है तो उसे काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये भी हाफ से छोटा है इसे भी काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये भी हाफ से छोटा है इसे भी काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो जो हाफ से थोड़ा बड़ा है उसे हम फुल काउंट करेंगे। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 9 ये 10 ये 11 ये 12 ये 13 ये 14 फिर ये 15 और ये 16 और ये 17। ये हाफ से छोटा है तो इसे हमने काउंट नहीं किया है, इसे भी नहीं किया है, इसे भी हमने नहीं किया है, तो इतने हमारे सेंटीमीटर्स बन चुके हैं, मतलब हमारे टोटल 17 सेंटीमीटर आंसर है। बट ये हमारा अप्रोक्स वैल्यू है। यस बेटा, ओके, तो ये जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है वो हमारी अप्रोक्स वैल्यू है, मतलब उसके आसपास की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर काउंटिंग करते हैं, तो देखो जो फूल है पहले उसे हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 7। चलो हमने 7 तक तो यहाँ पर लिख दिया, अब हमें यहाँ पर भी क्या करना है, सेम प्रोसेस, जो हाफ से छोटा है उसे स्किप करेंगे, जो हाफ से बड़ा है उसे वन काउंट करेंगे। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है ऊपर, तो उसे फुल काउंट करेंगे 8, फिर ये 9, ये हाफ से भी छोटा है मतलब उसे काउंट नहीं करेंगे, और ये हमारा हाफ से थोड़ा बड़ा है मतलब 10। तो हमारा जो एरिया है वो 10 सेंटीमीटर का बना है यार, तो जो हमारा एरिया है वो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर अवेलेबल है। तो इसी का यूज करके चलो यहाँ पर, यस बेटा गो, चलो नाउ थिंक स्मार्ट, आपके पेज नंबर 166 पर थिंक स्मार्ट दिया गया है, तो उसके अंदर आपको देखना है कि क्या करना है, हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंट साइज कैन यू फाइंड फ्रॉम दिस फिगर, आप यहाँ पर कितने स्क्वायर फाइंड आउट करते हो डिफरेंट साइज के। तो देखो 1 सेंटीमीटर के आप कितने स्क्वायर फाइंड आउट कर पाओगे, 16 कर पाओगे। अब 2 सेंटीमीटर के आप कितने कर पाओगे, तो देखो यहाँ पर आप काउंटिंग करोगे तो आपको 9 मिलेंगे, 2 सेंटीमीटर के आपको 9 स्क्वायर देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आपको 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के काउंटिंग करने हैं, और बाद में उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो थिंक स्मार्ट जो है वो आपको होमवर्क के अंदर करना है। नाउ आइडियल एक्टिविटी, नाउ इट्स टाइम टू टेक योर आइडियल एक्टिविटी। अब आइडियल एक्टिविटी के अंदर आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको लेने हैं 10 स्क्वायर, आप अपनी बुक के पेजेस के अंदर से भी सीजर से कट करके बना सकते हो 10 स्क्वायर और 10 और 10 आपको लेने हैं हाफ
square. Okay, ये square और ये आपका half square. आपको 10 लेने हैं square और 10 लेने हैं half square. अब इन दोनों स्क्वायर का यूज करके आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द फिगर्स बनानी है, डिफरेंट फिगर्स बनानी है. तो कैसे बना सकते हो? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं. तो ये एक फिगर बन गई है. तो कैसे बनेगी? कनेक्ट करके बनानी है. आप ग्लू से उसे कनेक्ट कर सकते हो और एक नया शेप बना सकते हो. मैं एक ऊंट बना रहा हूं. तो चलो मैंने एक और शेप यहां पर बना लिया है. आप अपनी तरफ से कोई भी शेप बना सकते हो. और ये शेप बनाने के बाद आपको उसका निकालना है पेरीमीटर और एरिया. पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी बॉर्डर का मेजरमेंट और एरिया का मतलब होता है उसकी इनसाइड द फिगर का मेजरमेंट. आप 1 square is equal to 1 centimeter ले सकते हो. तो यहां पर 2 centimeter and half मतलब 2 and half यहां पर आपका सेंटीमीटर हुआ. 2.5 भी आप लिख सकते हो. इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? एनी डाउट? आइडियल एक्टिविटी में कोई डाउट? नो डाउट. नाउ लेट्स स्टार्ट 11.2. Now, let's start 11.2. आप चाहो तो इसे टेक्स्ट बुक के अंदर लिख सकते हो डायरेक्ट आंसर्स. अदरवाइज आप लोग चाहो तो नोटबुक के अंदर इसको ड्रॉ करके भी आंसर्स लिख सकते हो. एज यू विश. आप चाहो तो नोटबुक में लिख सकते हो. आप चाहो तो टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हो. ओके? बिकॉज आप डायरेक्टली यहाँ पर काउंटिंग करके आंसर लिख पाओगे और नोटबुक के अंदर करोगे तो आपको फिगर भी ड्रॉ करनी होगी और उसके आंसर भी लिखने होंगे. एज यू विश. जो भी आप चाहो वो कर सकते हो. ओके? चलो क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 168. पेज नंबर 168. Find the area of the figure showed below by counting the number of square units. तो यहाँ पर आप काउंटिंग करोगे. ओके? मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा. तो क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर है ए, फिगर नंबर ए. तो फिगर नंबर ए के अंदर मैं यहाँ पर अगर काउंटिंग करूं तो यहाँ पर स्क्वेयर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंड 12 है यहाँ पर टोटल. सो 12 सेंटीमीटर जो है वो मेरा आंसर है. 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर. तो आप उसके फिगर के अंदर या तो फिगर के एग्जैक्ट नीचे आंसर लिख सकते हो 12 सेंटीमीटर. ओके? आंसर नीचे यहाँ पर 12 सेंटीमीटर ये लिखने की जरूरत नहीं है. तो ऑलरेडी है 12 सेंटीमीटर. ओके? 12 सेंटीमीटर. चलो फिगर नंबर बी. यहाँ पर कितने स्क्वायर हैं? 4 स्क्वायर मतलब 4 सेंटीमीटर. तो फिगर के नीचे आप लिख सकते हो 4 सेंटीमीटर. ओके? 4 सेंटीमीटर. हेलो, बी के नीचे 4 सेंटीमीटर. चलो नाउ फिगर नंबर सी. यहां पर आपको 6 स्क्वायर देखने को मिलेंगे. दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर. 6 सेंटीमीटर.
चलो नाउ क्वेश्चन नंबर डी मतलब तो यहाँ पर फिगर नंबर डी तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 एंड इस तरफ भी 4 4 4 जा 16 नॉट 12 काउंट इट एवरीवन कितने हुआ 16 कितने हुआ 16 हो गए तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर नॉट 12 ओके चलो बाकी के जो है वो आप लोग होमवर्क के अंदर करोगे ई एफ और जी ओके क्वेश्चन नंबर ई एफ और जी तो यहाँ पर आपके सामने आंसर अवेलेबल है नाउ क्वेश्चन नंबर टू टेन ग्राम फिगर्स दी गई है अब टेन ग्राम फिगर्स के अंदर कुछ फुल स्क्वायर है और कुछ हाफ स्क्वायर भी है तो आपको यहाँ पर उसको काउंटिंग करके बताना है कि ये जो टेन ग्राम फिगर है वो कितने स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर है ओके तो चलो मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर देता हूँ ए भी आप लोग काउंटिंग करके उसका आंसर खुद लिखोगे ओके ए में यहाँ पर करवा रहा हूँ चलो चलो मैंने फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर ली है नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर एवरीवन अब यहाँ पर हमें पहले तो जितने भी फुल स्क्वायर है उसे काउंट करना है ओके ताकि हमें मिस्टेक ना हो चलो 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 और 10 चलो हमारे इतने जो है वो हमारे फुल स्क्वायर यहाँ पर अवेलेबल है अब हमें काउंटिंग करना है हाफ हाफ स्क्वायर को मतलब दो हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जब दो हाफ बन जाएंगे तो वो 1 बन जाएगा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये लिखने की जरूरत नहीं है स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अगर हाफ होगा तो 1/2 सेंटीमीटर ओके चलो तो यहाँ पर ये 11 दो हाफ है तो ये 11 हो गया अब ये दोनों भी हाफ है तो ये 12 बन गया ये दोनों भी हाफ है मतलब 13 हो गया अब यहाँ पर ये दोनों हाफ है तो ये हो गया 14 अब ये दोनों भी हाफ है तो ये हो गया 15
अब ये दोनों हाफ है तो ये हो गया 16, उसके बाद यहाँ पर ये दोनों है तो वो 17, और ये दोनों यहाँ पर भी हाफ है वो 18। ओके, वंस अगेन आई रिपीट, हमने 10 तक यहाँ पर लिया हुआ था, उसके बाद ये दोनों हाफ, ये 11, अब ये दोनों हाफ 12, ये दोनों हाफ 13, देन आफ्टर ये दोनों हाफ 14, ये दोनों हाफ 15, ये दो हाफ 16, ये दोनों हाफ 17, और ये दोनों हाफ 18। तो हमारा आंसर क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, एरिया इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो राइट डाउन योर आंसर, काउंट कर लिए, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पर हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं, मैंने ये नेक्स्ट फिगर बना ली है क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर नंबर ओके। अब इसके अंदर हम लोग काउंटिंग करते हैं कि आपके पास कितने यहाँ पर सेंटीमीटर है। पहले तो जो फूल है उसे हम लोग काउंटिंग कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 अब जो यहाँ पर है हमारे हाफ से ज्यादा होंगे उसे हमें यहाँ पर काउंटिंग कर लेना है ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 19, 20, 21, 22, 23 और ये दोनों हमारे हाफ से कम है मतलब इसका काउंटिंग नहीं होगा बट ये दोनों हमारे बन जाएंगे 24, ये बन जाएंगे हमारे 24 ओके। तो हमारा जो इसका एरिया है वो यहाँ पर है 24 सेंटीमीटर। इसमें कितना हुआ इसका काउंटिंग करिए अंदर 1, 2, 3, 4 लिखो तो पता चल जाएगा। अंदर 1, 2, 3, 4 लिखो सभी के अंदर भी लिखो। Now it's time to take your attendance. Okay, now I'm going to take your attendance. Please announce your name when I say your name. Okay, so first of all, Hanil Adroja. प्राची आद्रोजा, हर्षिल अगारा, प्राची आद्रोजा इज प्रेजेंट। स्वरित अमृतिया, राहिल अरवाडिया, प्रयाग, प्रयाग कृषिव, तप, बंसी, कश्यप, माही, नितार, प्लीज टाइप योर नेम, अक्सर, रोनी, सौर्यराज सिंह, कश्यप इज प्रेजेंट, माही इज प्रेजेंट, पिया, आरव कुंडारिया, निसर ग्लोरिया, कनिष्का, परी, कनिष्का, परी, निसर्ग स्वरित, ध्रुवित मेहता, अर्णव पाठक, खुशी, श्लोक, श्लोक, दिशिता राजा, सत्य, स्वरित अमृतिया इज प्रेजेंट, दिया इज प्रेजेंट, देन आफ्टर डैंसी सरडवा, सुमित शुक्ला, काशवी तन्ना and Misty Tanna and Sivam. So anyone is here now? Rahil is present.
आरव कुंडारिया इज प्रेजेंट. ओके पश्वी इज प्रेजेंट. मिस्टी इज देयर और नॉट. यशा इज प्रेजेंट. ओके बेटा चलो नाउ यू कैन लीव द क्लास. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. हाय एवरीवन. शिवम इज प्रेजेंट. ओके.